बॉलीवुड के विच धक धक गर्ल के नाम के नाल जानी जाती अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अज किसी जान पहचान से निर्भर नहीं है। अदाकारा अज अपना 56वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर लोगों ने उन्होंने बधाई देनिया शुरू कर दिखाई ने। अजे यह कहना गलत नहीं होगा कि इस उम्र के उसकी खूबसूरती के कोई कमी नहीं आई है। वह अज भी उन्नी खूबसूरत है जिनी 80-90 के दहाके होंगी सी। हालांकि कई हिट फिल्मा देने बाद भी उन्होंने फ्लॉप फिल्मों के झटके का सामना करना पड़ा। एक समा अजिहा भी आया जदों उसने लगातार 7 फ्लॉप फिल्मा दित्तियां। इस नाल अदाकारा पूरी तरह के नाल टुट गई। माधुरी दीक्षित एक अजिही अभिनेत्री है जो अपने स्टाइल ग्रेस अते डांस मूव्स के नाल सालों तो लखां लोगों के दिलों से राज कर रही है। बॉलीवुड के विच धक धक गर्ल के नाम के नाल मशहूर हुई इस अभिनेत्री ने साल 1984 के विच फिल्म अबोध नाल अपने करियर की शुरुआत की थी। 90 के दहाके तक चोटी दी अभिनेत्रियों चों एक बन गई। कहा जाता है कि 1994 की हिट फिल्म हम आपके हैं कौन के विच माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज़्यादा चार्ज किया। खबरों मुताबक माधुरी दीक्षित जो एक फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए लगभग 50 लाख रुपए चार्ज करती थी उसने 2.7 करोड़ रुपए ले सन जो कि कोस्टार सलमान खान तो भी बहुत ज़्यादा सन। माधुरी दीक्षित का नाम सिर्फ फिल्म एक्टर्स के नाल नहीं सगों क्रिकेटर्स के नाल भी जुड़िया हुआ है। संजय दत्त नाल उन्होंने रिश्ता काफ़ी मशहूर है। हालांकि उन्होंने नाम अनिल कपूर जैकी श्रॉफ मिथुन चक्रवर्ती सलमान खान गोविंदा शाहरुख खान और नाना पाटेकर के नाम समेत कई होर लोगों के नाल जुड़िया सी। माधुरी दीक्षित का नाम क्रिकेटर अजय जडेजा के नाल भी जुड़ चुका है। कहा जाता है कि वह कुछ समय के लिए एक दूजे को डेट करते सन। माधुरी दीक्षित ने 7 अक्तूबर 1999 में अमरीका के रहने वाले श्री राम नेने के नाल विआह किया। श्री राम नेने पेशे तो एक डॉक्टर ने तो यह एक तरह के नाल अरेंज मैरिज से। दोवों की मुलाकात का प्रबंध अदाकारा के भरा ने किया। अज माधुरी और नेने के दो बच्चे ने रियान एरिने ने। अभिनेत्री हुण अपने परिवार के नाल मुंबई के रहती है तो अक्सर स्क्रीन पर नज़र आती है।